नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अलाव में फूंक मारने पर उड़ी चिंगारी, उड़ने पर युवक ने किया चाकू से हमला। पाचपौली में आश्रम में दूध मुहे बालक की मौत। कोलार नदी में 20 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। हाथ तापते समय फूंक मारने पर, अलाव से चिंगारी उड़ने पर युवक ने दो नाबालिग साथियों की मदद से एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना सोमवार की शाम कोराड़ी थाना अंतर्गत हुई। युवक ने उसे जान से मारने का प्रयास किया। घटना सोमवार की शाम को कोराड़ी थाना अंतर्गत हुई। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। दरअसल नई शुक्रवारी निवासी संकेत राजेश भेदे घटना वाले दिन किसी काम से कोराड़ी रोड स्थित ओमकार नगर गया था। वहां पर दुर्गा मंदिर के पास कुछ स्थानीय लोग अलाव पर हाथ ताप रहे थे। संकेत भी वहां पर रुका और हाथ तापने लगा। इस दौरान अलाव में फूंक मारी, जिससे वहां पहले से बैठे आदर्श अशोक मिश्रा पर आग की चिंगारी उड़ी। इस मामूली सी बात पर आदर्श ने अपने दो नाबालिग साथियों के साथ मिलकर पहले गाली गलौज की और फिर संकेत पर चाकू से हमला कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। जख्मी और आरोपी युवक नाबालिग और आदर्श के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। देर रात आदर्श को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच जारी है। अगली खबर, पाचपौली थाना अंतर्गत बुद्ध नगर स्थित वर्ल्ड चिल्ड्रन केयर नामक बाल आश्रम के पराग नामक 15 दिन के नवजात शिशु की मंगलवार को मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पराग की तबीयत खराब हुई। वह गत कुछ दिनों से बीमार था। 19 दिसंबर को उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है और पाचपौली पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, वन विभाग की ओर से कोराड़ी कोलार नदी घाट पर पक्षी निरीक्षण के दौरान 20 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों का दीदार किया गया, जिसमें से हॉर्नबिल, टकाचोर, सिंसेरस, टीट, किंगफिशर आदि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वन विभाग नागपुर की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर पक्षियों का निरीक्षण कर घाट की सफाई की गई। उप वन संरक्षक डॉक्टर भरत सिंह हाड़ा के मार्गदर्शन में मानद वन्य जीव रक्षक व उधम सिंह यादव की प्रमुख उपस्थिति रही। सहायक वन संरक्षक सुनील काले, पुणे विद्यापीठ के किरण इंगले, शुभम छापेकर, एस नांदुरकर का सहयोग मिला। पक्षियों के अलावा रान पिंगड़ा, तांबट आदि पक्षियों के भी दीदार हुए हैं। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।